हेलो गाइस, हम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली अकेडमी में। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है अगेन आई लैशेज एक्सटेंशन के बारे में। पूरी डीप नॉलेज देने वाले हैं हम आपको आज इस वीडियो में। हम आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बताने वाले हैं किस तरीके से आपको आपके क्लाइंट के लैशेज का साइज देखना है, कैसे उन्हें क्या सजेस्ट करना है ताकि वो बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए या बहुत ज़्यादा मिनिमाइज भी ना रहे, ऐसा भी ना लगे कि आपने काम भी किया 1.5-2 घंटे लगाकर और रिजल्ट भी नहीं आया। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप हमारे क्लाइंट के आई लैशेज आपको दिखाती हूँ, इनके आई लैशेज काफ़ी अच्छे हैं बट क्योंकि मैम का फेस जो है अच्छा खासा फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो अगर लैश थोड़ा सा और वॉल्यूम में हो जाती है तो लुक और अच्छी आएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप लैशेज देख सकते हैं, मैम की लैशेज काफ़ी अच्छी हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम जो है क्लीन करेंगे। हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ये आई लैश क्लिनजर, तो आई लैश क्लिनजर का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे स्प्रे करके। मैम स्प्रे कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने स्प्रे करके, हमारा ये क्लिनजिंग ब्रश है, इससे हमें क्लीन कर लेना है लैशेस को कि अगर आई लैशेज में मस्कारा है, डस्ट है या फिर कोई मैम ने अगर मॉइस्चराइजर अप्लाई किया हुआ है तो वो अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। इसे अब हम ड्राई टिश्यू से क्लीन कर लेंगे, जस्ट डैप डैप करके क्लीन करना है आपको। कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे हमने रबिंग वाला कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, या फिर एक्स्ट्रा मॉइस्चर वाला प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करना है। सो गाइस, ये हमारा कंटेनर है जिसमें हम अपना जो है प्रेप ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट, प्राइमर और साथ में हमारी आई लैश ग्लू रखते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम अपनी आई लैश ग्लू रखते हैं तो वो जल्दी से, अगर आपने ओपन भी करी हुई है तो वो जल्दी से ड्राई नहीं होती है और ना ही उसका असर कम होता है। तो सबसे पहले हमें जो है प्रेप ट्रीटमेंट अप्लाई करना है। तो ये हमारा जो ग्रीन प्राइमर है, ग्रीन टी का प्राइमर है, जो ग्लू प्राइमर है, इसे हम जो है हमारी स्टिक के साथ अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी स्टिक्स हैं, यहाँ पर इस तरीके से आपको बॉक्स मिल जाता है तो ये बहुत ईजी रहता है इससे अप्लाई करना, आपका प्रोडक्ट भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। तो हल्का सा हमने जो है इसे ओपन करके इस तरीके से अप्लाई करना है। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ पैचेस। तो ये पैचेस को अप्लाई करने के लिए ना हमें हमेशा सीजर की नीड जरूर होती है। आपने इनर कॉर्नर जो कि छोटी वाली साइड होती है ना, ये हमेशा इनर कॉर्नर में लगती है, ये बड़ी वाली साइड जो है वो आउटर में आती है दोनों तरफ में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इनर कॉर्नर में ना, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ना एक बम सा बन जाता है, तो उसे जो है ना आए वो बम, है ना, इसके लिए हमने जो है यहाँ पर एक वी सेक्शन का कट कर लिया है। इससे हमारा जो आई पैच है वो आराम से स्किन के अंदर आराम से एक स्मूथली बैठ जाएगा, क्योंकि कहीं पर हमारी स्किन बम्पी होती है, कहीं पे डम्स होते हैं, तो इसलिए हम ओपन करना। सो गाइज, यहाँ पर पैच लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि नीचे वाली जो लैशेज हैं उसे हम पैचेस के अंदर दबा देते हैं, और अगर इनकेस कोई छोटी छोटी लैशेज रह जाती हैं तो उसे हम अपनी ट्रेप से कवर अप कर लेते हैं। सो जब नीचे वाली लैशेस चिपक जाती हैं, अच्छे से कवर अप हो जाती है, तो जब हम ऊपर वाली लैशेस में हेयर लगाते हैं तो उससे नीचे वाली लैशेस पे वो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, अदरवाइज़ वो बाद में रिमूव करते हुए हमारे पैचेस बहुत दर्द करते हैं और नीचे वाली लैशेस में तो हमें बिल्कुल भी कवरेज नहीं देनी है। एंड पैचेस लगाते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी आईलिड के अंदर ना लगे, ताकि हमारी जो क्लाइंट है आई को क्लोज करें तो उस टाइम पे टेप हमारी या फिर पैच जो है रेटिना में टच नहीं होना चाहिए। सो पैचेस अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं लैशेस निकाल रही हूँ, तो लैशेस जो है हम इनके लिए ले रहे हैं 11 mm। तो 11 mm लैशेस गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वॉल्यूम वाली लैशेस हैं तो ये काफ़ी अच्छी रहेंगी इनके लिए, और एक ही लाइन में आप देखना दोनों आई जो है अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। और हमारी जो ग्लू है वो हम यूज़ कर रहे हैं कमन की। सो कमन की आई लैश ग्लू जो है हम लेंगे अपनी रिंग में, इसके साथ साथ हमने नेचुरल लैशेज़ को जो है एक बार ब्रशिंग कर लेनी है पैचेस लगाने के बाद, ताकि हमारी ईजिली जो लैशेज़ हैं उसके ऊपर 1 by 1 करके वो सेपरेट हो जाएंगी, तो हम आराम से अपनी 1 by 1 करके लैश अप्लाई कर पाएंगे। सो बेसिकली
यहाँ पर बहुत सारे जनों को यही डाउट रहता है कि आई लैशेज जो है स्किन के ऊपर लगती हैं। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने एवरी सिंगल लैश के ऊपर जो है अपनी 7 से 8 लैशेज लगानी होती हैं, जैसे कि हम फेदर लैशेज लुक भी बोलते हैं। तो ये जो लैशेज हैं हम जब इसमें निकालते हैं, इसे में से अपनी लैशेज को पिक करते हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट ही ये बंच ऑफ लैशेज निकलता है, जिससे कि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है और बहुत जल्दी से वॉल्यूम मिल जाता है। एंड मेक श्योर गाइज, इन लैशेज को आपने स्किन के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना होता है, क्योंकि ये ग्लू जो है बहुत हार्ड होती है। और आपने जब इसे पिक भी करना है, आपने ध्यान रखना है इतना ज़्यादा आपने अपनी बास्केट में नहीं डालना है कि आपके क्लाइंट के सिर के ऊपर या फिर बालों में या फिर स्किन के ऊपर गिर जाए। तो आपने बहुत ही कम क्वांटिटी में मुश्किल से 2 बूंद लेनी है, और इन 2 बूंद जब ये ड्राई हो जाएंगी तब हम जो है नेक्स्ट बूंदें और ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जब लैशेज निकाल रहे हैं तो 2-2, 3-3 लैशेज इकट्ठे निकल रहे हैं, लेकिन जब ये ग्लू में जा रही हैं तो ये अपने आप आपस में कनेक्ट होती जा रही हैं एंड ये वाइल्ड लैशेज बनती जा रही हैं, जिससे कि ऊपर वाला जो लुक है वो खुला हुआ आ रहा है, वो फेदर लैश का बना हुआ आ रहा है। एंड गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम दोनों लैशेज में जो है साथ साथ ही हेयर्स लगा रहे हैं। जैसे अगर 8 से 10 हेयर हमारी एक लैश में लग जाते हैं, फिर दूसरी वाली लैश में 8 से 10 हेयर लगाते हैं, उन्हें ड्राई होने का टाइम देते हैं ताकि वो सेपरेट रहें एक दूसरे से, और 1 बाय 1 करके इसी तरीके से दोनों लैशेज पे वर्क करते हैं। और आप ऑलरेडी देख सकते हैं, अभी तो मैंने काफ़ी कम हेयर्स लगाए हैं और ऑलरेडी इसमें जो है वॉल्यूम दिखना स्टार्ट भी हो गया है। एंड गाइज, अगर हम इसकी बात करें स्टेबिलिटी की, तो ये लैशेस ईजिली जो है 1 मंथ रहती हैं। हम लोग फिर भी ऑन एन एवरेज अपने क्लाइंट को 3-4 वीक्स के लिए बोलते हैं, ताकि बहुत ईजी रहे, क्योंकि हमें नहीं पता होता है हमारा क्लाइंट जो है घर जाके क्या फेस वॉश यूज़ करते हैं या मेकअप रिमूवर यूज़ कर रहे हैं, जो कि इसमें चीज़ें हमें प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, एज एन अपने क्लाइंट को समझाना होता है। वो ये चीज़ें होती हैं कि उन्हें एक तो मेकअप रिमूवर को बिल्कुल भी आई लैशेज के ऊपर नहीं लगाना है, अगर उन्हें मेकअप क्लीन भी करना है तो वो स्किन पे से आराम से क्लीन कर सकते हैं, वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ उन्हें जो है उन्हें डायरेक्टली अपने फेस को वॉश करना सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। एंड अगर हम बात करें इसके स्टेबिलिटी के साथ साथ जो है हमें इसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए हमें इसमें क्या अप्लाई करना है, तो हम एक ब्रश देते हैं मस्कारा, जैसे कि अपने क्लाइंट को मस्कारा ब्रश से हमेशा फेस वॉश के बाद या बाथिंग के बाद में ब्रशिंग करनी है, ताकि एवरी लैश जो है वो सेपरेट रहे और वो उलझे नहीं। गाइज, अगर हम आई लैशेज़ के प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपकी अच्छी आई लैशेज़ होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सिंथेटिक जैसे कि प्लास्टिक की आई लैशेज़ लगाते हैं, तो वो रिमूव होते हुए आपके नेचुरल हेयर को ब्रेक करके जाती है, लेकिन हम अभी लगा रहे हैं ह्यूमन हेयर, तो इसकी बहुत एक अच्छी चीज़ होती है कि 3-4 वीक्स के बाद जो हमारी नेचुरल लैश की एज होती है बाय गॉड वो होती है 25 डेज़। तो 25 डेज़ के बाद जब हमारी नेचुरल लैश रिमूव होती है, उसके साथ साथ ही हमारी आई लैशेज़ एक्सटेंशन भी रिमूव हो जाती हैं, जिससे हमारे नेचुरल लैशेस के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। दैट मीन्स अगर क्लाइंट रीफिलिंग के लिए नहीं भी आ पाता है, तो भी उनके नेचुरल लैशेस जो है अपनी रेगुलर ग्रोथ के हिसाब से वो अपनी ग्रो होती रहती हैं, और उनमें इसका कोई भी असर नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आई लैशेज़ करते हुए हम बीच बीच में बार बार गाइज ब्रशिंग भी करते रहेंगे, ताकि हमें जो नेचुरल लैशेज़ हैं वो थोड़ी उठी हुई मिल सके, ताकि नीचे जो पैच है उसके ऊपर हमारी ग्लू बिल्कुल भी ना चिपके और ना ही हमारी आई लैश चिपके। तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है, क्योंकि जब हम पैच रिमूव करते हैं ना, तो बाद में ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत तंग करती हैं। गाइज, अगर मैं ग्लू की बात करूं, तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम ब्लैक एडेसिव यूज़ करते हैं लैशेस की, जो कि 1-2 सेकेंड वाली और एक 2-3 सेकेंड्स वाली होती है। तो जो 2-3 सेकेंड्स वाली होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि आप अगर 1 या 2 ड्रॉप लेते हैं वो बहुत देर तक ड्राई नहीं होती है। अदरवाइज़ क्या होती है, सस्ती वाली आई लैशेज ग्लू में हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत जल्दी से जो है ड्राई हो जाती है, बार बार आपको अपना पैच निकालना पड़ता है एंड नई ग्लू लेनी पड़ती है। तो कम क्वांटिटी में आपकी जो है बहुत सारी लैशेज इसमें अप्लाई हो जाती हैं। तो आपने इस तरीके से नीचे से उठा कर भी देखना है अपने टूल के साथ, जो नीचे बेबी हेयर्स रह जाते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, जो कि अंडर लिड एरिया में होते हैं, वहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम देने के लिए अपनी लैशेज को अप्लाई करते हैं। सो गाइज, इसमें मेन तो आपका जितना ज़्यादा आपकी टाइम ग्लू लगाती है ड्राई होने में, उतना ही ज़्यादा आपकी आई लैशेज़ की ग्लू अच्छी होती है। एंड दूसरी चीज़, अब जैसे कि हमने सेंटर पूरा के पूरा कवर अप कर लिया है, सबसे पहले हमारा वॉल्यूम देने का तरीका होता है कि थोड़ा थोड़ा गैप दे दे के हम अपना प्रोडक्ट जो है अप्लाई करें, आई लैशेज अप्लाई करें। लेकिन कुछ देर के बाद जो है, जब हमारा सेंटर पूरा कम्प्लीट होने लग जाता है, तो लास्ट में हमने जो है साइड्स एंड
हमारी जो इनर कॉर्नर एरिया है वहाँ पे हमने कवरेज देनी रह जाती है। तो वन बाय वन करके अब आप देखेंगे कि हम पूरी की पूरी जो कवरेज है लास्ट एरिया में ही देंगे। और लास्ट एरिया में ना हमेशा मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा वॉल्यूम थोड़ा और ज़्यादा टिके और ज़्यादा लैशेज रहें, क्योंकि हमेशा आउटर एरिया में हमारा नेचुरल जो वॉल्यूम होता है वो भी अच्छा होता है और लेंथ भी अच्छी होती है। बाय गॉड ही हमारी नेचुरल लैशेज में ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर हम एक साइज़ छोटा लगाते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम भी जो है हम अच्छे से देते हैं, ताकि जो वॉल्यूम है दोनों साइड्स में वो एकदम कैटाई लुक का आ सके। एंड जब लैशेस कंप्लीट हो जाती हैं तो होम केयर के लिए हम अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 24 आवर तक वो अपना फेस वॉश ना करें आई लैशेस कराने के टाइम के बाद तक। और इसके साथ साथ जो है अपनी लैशेस के ऊपर उन्हें जो है एक रेगुलर लिक्विड आईलाइनर नहीं लगाना होता है, जेल लाइनर हम लोग रिकमेंड करते हैं ताकि उससे लैशेस की स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा रहे। तो आप देख सकते हैं इनकी जो लैशेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है एंड वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अब हम जो है वन बाय वन करके पैच रिमूव करेंगे एंड पैच भी बहुत ईजिली रिमूव हो जाएंगे। देखिए इसमें भी कोई क्लाइंट को प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई पेन वगैरह नहीं होती है, जिससे कि हमारे लिए काफ़ी ईजी रहता है लैशेस को रिमूव करना। और आपके क्लाइंट को बिना किसी रेटिना की रेडनेस के या एलर्जी के हमारी आई लैशेस जो हैं कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद भी हम एक बार ज़रूर मस्कारा करेंगे एंड कुछ सेकंड्स के लिए अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि वो लेटे ही रहें अपनी आईज़ क्लोज करके, ताकि अगर बची कुछ ग्लू भी है अगर उसकी में थोड़ी सी हीट होती है वो नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद उन्हें हम अपनी आईज़ ओपन करने के लिए बोलेंगे। सो गाइज कंप्लीट करने के बाद अब देखते हैं एक बार बिफोर की लैशेज हैं, ये हमारी क्लाइंट की आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट हैं एंड ये है आफ्टर के लुक। आई एम श्योर गाइज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप न्यू व्यूवर हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। गाइज़ अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरीके से सब्सक्राइब का बटन होता है एंड इस बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइज़, इसे ऑल पे क्लिक करना है आपको, ताकि आपके पास हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। एंड गाइज़ अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो हमारी आईडी है NAILDEZINER, इस नाम से हमारी आईडी है, ये पेज है हमारा। अगर आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रही हूँ।